युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल सेक्टर 7 द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सेक्टर 7 हाई स्कूल मैदान में व्यापक रूप से दशहरा महोत्सव की तैयारियां की जा रही है। आयोजन का ये 36वां वर्ष है। भव्य आतिशबाजी के साथ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन यहां किया जाएगा। सेक्टर 7 हाई स्कूल मैदान में युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल सेक्टर 7 द्वारा दशहरा उत्सव को लेकर व्यापक रूप से तैयारियां की जा रही हैं। आयोजन का यह 36वां वर्ष है। बाहर से आए कलाकारों द्वारा पूरी भव्यता के साथ 75 फीट के रावण, 50 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को तैयार किया जा रहा है। आतिशबाजी को लेकर भी पूरी भव्यता के साथ तैयारियां की जा रही हैं, जो सभी के आकर्षण का केंद्र होंगी। सभी तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल सेक्टर 7 के अध्यक्ष चन्ना केशवलू ने बताया कि रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण का पुतला दहन करने के उपरांत मशहूर कॉमेडियन को भी बुलाया गया है। साथ ही जनता के मनोरंजन के लिए हॉलीडे बैंड और सिंगर को भी आमंत्रित किया गया है। युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल सेक्टर 7 भिलाई द्वारा सेक्टर 7 हाई स्कूल में विगत 26 वर्षों से दशहरा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पिछले 2 वर्ष में कोरोना काल के कारण सरकार का निर्देश और उनके गाइडलाइन के कारण 2 वर्ष हमने दशहरा पर्व नहीं मनाया। इस वर्ष 27वां वर्ष बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ ये दशहरा पर्व भिलाई की जनता को समर्पित है। और इस बार हमारे यहाँ विशेष आकर्षण ये रहेगा कि जैसे कि आतिशबाजी रहती है आंध्र प्रदेश काकीनाडा और शिवकाशी की, और आईपीएल स्तर की आकाशी आतिशबाजी विशेष देखने को मिलेगा जनता को। साथ में 75 फीट ऊंचा रावण, 50 फीट कुंभकर्ण, 50 फीट ऊंचा मेघनाथ के पुतले का पुतला भव्य बनाया जा रहा है। साथ में मुंबई के प्रसिद्ध जो कॉमेडियन है श्री जॉनी लीवर, उनके भाई, छोटे भाई जिमी मोसेस का कॉमेडियन कार्यक्रम रखा गया है मिमिक्री का, वो स्टैंडिंग कॉमेडी करते हैं। और साथ में बैंड, हॉलीडे बैंड और सिंगर साथ में जनता के मनोरंजन के लिए बुलाया गया है। और मैं समझता हूँ कि भिलाई की जनता को इस बार भी हम युवा खेल सांस्कृतिक मंडल सेक्टर 7 हाई स्कूल मैदान में जो हर वर्ष की तरह जिस उम्मीद से लोग आते हैं यहाँ पे, उस उम्मीद में हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि सेक्टर 7 में आयोजित दशहरा उत्सव को देखने दूर दूर के क्षेत्रों से लोग यहाँ पहुँचते हैं और रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने समिति द्वारा हर संभव प्रयास किया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।